हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांश और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं क्रिसैंथेमम के प्लांट्स के बारे में, यानी कि गुलदाउदी के जो सैपलिंग्स हैं, आप उनको कैसे ग्रो करें, कैसे उनको ग्रो करके उन पर अच्छे और बड़े फ्लावर्स ऑब्टेन करें अपने घर में ही। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपके पास तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो ये आपको थोड़ा सा व्यू थोड़ा शाम का आ रहा होगा, क्योंकि वैसे तो अब सुबह हो रही है, लेकिन अब मैं सर्दियों में वीडियो बना रहा हूँ तो कोहरा हो रहा है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो इसलिए लुक ऐसा आ रहा होगा जैसे कि अब शाम हो रही है, बिल्कुल भी आपको सनलाइट ऑब्टेन नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी, ये कई तरह के कलर्स में आता है, जैसे कि येलो और रेड, पिंक, वाइट, बहुत सारे कलर्स में आपको ये मिल जाएगा। और इसके कई तरह की वैरायटीज़ भी होती हैं, यानी कुछ बहुत बड़ा होता है, कुछ जो बाहर के देशों में मिलती हैं कुछ वो वैरायटीज़ होती हैं। लेकिन जो मेरे पास ये मैंने 10 से 12 पेड़ लगाए हुए हैं, ये हमारी देसी जो इंडियन क्रिसैंथेमम की वो वैरायटी स्पीशीज़ हैं वो मैंने ग्रो की हुई हैं, यानी कि मैं देसी जो बीज से मैंने इनको अपने घर में ही ग्रो करा था क्रिसैंथेमम को। तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया था, अगली बार जब मैं ग्रो करूँगा तो उसकी वीडियो भी आपको बना करके दिखाऊँगा। तो ये देखिए, मैंने करीबन 25 से 30 सीड ग्रो करे थे, जिसमें से सिर्फ ये 10 से 12 ही सक्सेसफुल हुए और इनके ही सैपलिंग्स यानी कि प्लांट छोटे छोटे बन के रेडी हो गए। अब इनसे हमें फ्लावर मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने इनकी सीडलिंग करीब 3 से 4 महीने पहले की थी, और इनकी सीडलिंग को क्या नाम ग्रो होने में, अपने सीड से इनको स्प्राउट होने में, जर्मिनेट होने में सीडलिंग को 15 से 20 दिन का समय लग गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ सिर्फ इतनी सी ही हुई है, क्योंकि मैंने सीडलिंग काफ़ी लेट मेरे से हुई थी, मतलब मैं पहले नहीं कर पाया था, तो इसलिए सर्दियों के मौसम में पेड़ बने और सर्दी के मौसम में ग्रोथ थोड़ी कम होती है। इसलिए आप सीडलिंग सर्दी के मौसम स्टार्ट होने से पहले ही कर लें, यानी सीडलिंग का मौसम जो होता है वो होता है अगस्त और सितंबर में, आप गुलदाउदी की सीडलिंग कर लें। या फिर अगर आप बाज़ार से परचेस करने के लाना चाहते हैं, यानी कि नर्सरी से परचेस करके लाना चाहते हैं, तो वो भी आप अगस्त और नवंबर में या फिर सितंबर में ला सकते हैं, और फिर आपको जनवरी फरवरी तक इनसे बहुत ही बढ़िया फूल मिलेंगे। तो अब जनवरी स्टार्ट हो गई है, अब चल रही है, जनवरी की 4 तारीख हो चुकी है और अभी तक इस पर फूल नहीं आए हैं, अभी तक छोटी छोटी है। तो लेकिन 20 से 25 दिन बाद ये फूल देना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आप ये देखिए, मैंने एक गमले में ही ये 10 से 12 पेड़ लगाए हुए हैं, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एक वैसे ये पेड़ है और एक ये पेड़ है, ये मतलब मैंने अलग अलग, अभी क्योंकि मैंने सीडलिंग ही इसमें की थी तो अभी मैंने इनको अलग अलग सेपरेट गमलों में नहीं करा है, एक में ही ये हैं। तो ये अभी थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तो अगर ये मुझे लगा कि इनको और किसी और गमले में शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो मैं इनको शिफ्ट करूँगा, नहीं तो मैं इन सबको इसमें ही लगा रहने दूँगा, इसमें इनकी ग्रोथ होने दूँगा और इसमें ही ये अपने फ्लावर देंगे। तो अब इसमें मिट्टी कौन सी है, मिट्टी जनरली इसमें सारी जो बालू मिट्टी हम यूज़ करते हैं, बालू मिट्टी यानी कि 50% सैंड और 50% हमारी गार्डन सॉइल, यानी कि चिकनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, वो 50% रेत और 50% हमारी चिकनी मिट्टी का मिक्सर बना के जो बालू मिट्टी बनती है वो इसमें यूज़ करा है। लेकिन मैंने इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो 60 और 40 का रखा है, यानी कि 60% हमारी चिकनी मिट्टी या फिर गार्डन की सॉइल और 40% रेत, उसका मिक्सचर में मैंने इसको ग्रो करा है। चलिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने उनकी क्या नाम गजानिया की भी सीडलिंग कर दी थी, क्योंकि गजानिया गर्मियों में फूल देता है और मैंने सर्दियों में इसकी सैपलिंग्स तैयार कर लिया, अभी गर्मियों तक, मतलब गर्मियों में नहीं, यानी कि मार्च अप्रैल मई में ये बहुत ही बढ़िया फूल देगा, और जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी जून जुलाई में तो ये पेड़ मर जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सीडलिंग्स इनकी तैयार हुई हैं, इनकी बहुत ही अच्छी सीडलिंग्स इनकी भी तैयार हुई हैं और इनकी भी तैयार हुई हैं। तो क्रिसैंथेमम और इसकी अब खाद इसमें मैं बता दूँ कौन सी दी हुई है, आप ये देखिए, आपको ये ब्लैक ब्लैक पीसेस दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे कोयला है, ये देखिए ये दिख रहे हैं ना, ये सारे जो ये सारे आपको कोयले दिख रहे हैं, ये मैंने इसमें राख और कोयलों को पानी में मिलाकर थोड़ा सा वो भी दिया था, क्योंकि वो फूलों के लिए बहुत ही हेल्थ बेनिफिट रहता है और इनमें कोई ज़्यादा बीमारियां भी इसमें नहीं लगती और फंगस भी हमारे पेड़ों पर अटैक नहीं करता, क्योंकि सर्दियों में पानी जल्दी सूख नहीं पाता पेड़ों में से, क्योंकि धूप नहीं निकलती,
तो हमारे जो मिट्टी है और पेड़ है उसमें फंगस लगने का भी ख़तरा रहता है। तो अगर आप इसमें कोयला और राख का थोड़ा सा पानी में मिला के डाल देंगे तो आपका वो फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा और आपका वो पेस्टिसाइड का काम भी करेगा। तो आप ये इसमें डाल सकते हैं। और जब पेड़ लगाएं तो गाय के गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट तो हमें यूज़ करना ही है। जब भी आप कोई पेड़ लगाएं नया, फिर सीडलिंग करें, नहीं सीडलिंग के लिए तो नहीं, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाए पेड़, अगर आपने सीडलिंग की है जब इतने बड़े हो जाएं तो उसमें थोड़ा सा गाय के गोबर की खाद भी मिला दीजिए। और अगर आप कोई पेड़ लगा रहे हैं तो मिट्टी में जब आप पेड़ लगाएं तो गाय के गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लें, उससे हमारा पेड़ बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अगर आप इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप DAP का भी यूज़ कर सकते हैं। DAP प्लांट्स के रूट्स फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, तो आप इसमें DAP भी यूज़ कर सकते हैं। तो DAP का भी आपको बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट इसमें देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं, अब किसकी बात करें, अब बात करते हैं कि इसको वेदर कैसा पसंद है, यानी आज इसको फुल सनलाइट चाहिए या फिर ये थोड़ा सा इंडोर प्लांट है। तो जनरली जो भी सारे फूल वाले पेड़ होते हैं वो सारे सनलाइट उनकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी उनकी पहली रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट। तो जितने भी फूल वाले प्लांट्स हैं ज़्यादातर अगर आप उनको धूप में रखेंगे, मतलब फुल सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही अच्छी फ्लावरिंग देंगे और उतनी ही अच्छी उनकी ग्रोथ होगी। तो जैसे जो ये गुलदाउदी के हैं, वैसे तो ये क्या नाम, जब सर्दियों में तो फूल देंगे, लेकिन अगर हम इनकी गर्मियों में केयर करें तो ये गर्मियों में भी हमारे पास रह सकते हैं और ये गर्मियों में अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे, यानी कि ये गर्मियों में बड़े होंगे और सर्दियों में फूल देंगे। लेकिन अगर हमने सर्दियों में इनकी केयर करी और गर्मियों में इनको ऐसी, मतलब बहुत तेज़ धूप में पड़ा रहने दिया बाहर, कहीं थोड़ी इनडोर नहीं रख, मतलब जैसे जहाँ पर सिर्फ थोड़ी धूप आती हो ऐसी जगह पर नहीं रखा, तो हमारे प्लांट्स ये मर जाएंगे और आपके पास तक ही अगली सर्दियों के लिए नहीं बचेंगे। लेकिन गर्मियों में भी इनकी आप अगर केयर करें थोड़ी सी और इन पे ध्यान दें तो आपके पास ही अगली सर्दियों तक बच सकते हैं और फिर ये बड़े हो जाएंगे ज़्यादा, और फिर ये सर्दी शुरू होते ही आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो इसमें मेरे पास 3 कलर हैं। ये मैंने रो में सीडलिंग की थी, यानी कि इस रो में मैंने रेड कलर के लगाए थे, बीच में जो सीड लगाए थे वो वाइट कलर के लगाए थे, और यहाँ पर जो लगाए थे वो पिंक कलर के लगाए थे। तो पिंक रेड और ये वाइट, यानी ये पिंक रेड और वाइट, ये मैंने 3 तरह की सीडलिंग की थी। तो यानी अब इसमें 3 तरह के फ्लावर्स आएंगे। तो अब थोड़े बहुत मिक्स भी हो गए होंगे इसमें, मुझे अच्छी तरह नहीं पता कि ये कौन से कलर का होगा, तो वो तो जब फ्लावर आएंगे तभी पता लगेगा कि कौन से कलर का है। लेकिन अगर आपके पास आप 3 से 4 कलर के ग्रो करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि मतलब बीच में कुछ लगा दीजिए, यानी एक डंडी सी लगा दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, और ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन से कलर के फ्लावर्स की सीडलिंग की है और कौन सी वैरायटी की आपने सीडलिंग की है, और आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्रिसैंथेमम के बारे में, यानी कि गुलदाउदी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, प्लांट्स के ऊपर बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करना तो आपको, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। थैंक यू।